15 गायों की लाशें कचरे में सनी हुई पड़ी हैं और ये स्थितियां आज की नहीं हैं, प्रतिदिन की हैं। लगभग जितनी भी सरकारी गौशालाएं हैं उनके सबके यही हालात हैं। जो गाय से प्रेम करते हैं वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आज फिर हम लोग चीखे चिल्लाए। अभी SDM साहब ने एक वादा किया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम विवश होते हैं उनके आश्वासनों को मानने के लिए, लेकिन ये आश्वासनों का जो क्रम है ये लंबे समय से चल रहा है। प्रश्न ये है कि प्रशासन और सरकार कितनी गौ हत्याएं करेगा और कब तक करेगा। अंदर आप गए थे क्या, गौवंशियों की स्वाभाविक मौत लग रही या फिर जो सारे गौवंशीय ठंड, बरसात और कचरे में बैठने की वजह से मरे हैं? ठीक। तो गांव के द्वारा गदनखेड़ा पे स्थित जो संचालित अस्थायी गौआश्रय स्थल है, तो यहाँ पे प्रातःकाल ये सूचना मिली कि कई गौवंश जो हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना के साथ में ही यहाँ पे जो पशु चिकित्सा अधिकारी गण आए और उन्होंने गौवंशों को इस स्थिति में देख करके, एग्जैक्ट संख्या अभी नहीं कहा जा सकती, उसमें कुछ पशु जो हैं उनकी सम्भवतः मृत्यु हुई है और कुछ जो हैं उनको उपचार के लिए यहाँ से ले गए। यहाँ पर ना सर्दी से बचने के कोई इंतजाम दिख रहे हैं और ना ही चारा पानी, कोई उचित व्यवस्था दिख रही है, कोई कार्रवाई करेंगे इसके लिए? सर्दी से बचने के लिए जैसे देख सकते हैं तिरपाल लगा हुआ है और अलाव की व्यवस्था जानवरों के लिए की गई है यहाँ पे, और खाद्य के लिए जो भी व्यवस्था है यहाँ पे भूसा आदि की उपलब्धता है। क्योंकि पिछले 2-3 दिवस में लगातार नियमित और रुक रुक के बारिश हुई है और गौशाला जो ये बनी हुई है ये हाईवे के जस्ट किनारे थोड़ा निचले स्तर पे बनी है, तो जल जमाव और प्रॉपर तरीके से पानी नहीं निकलने के कारण थोड़ी सी असहज स्थिति उत्पन्न हुई। तो उस पानी की निकासी अभी ये जो टैंकर्स के माध्यम से उसको कराया जा रहा है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जल जमाव जैसी स्थिति ना हो और अन्य असुविधाओं से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।